आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता हुआ उत्तर प्रदेश है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए किए जाने वाले रिफॉर्म में अग्रणी उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के युवा के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने आज के दिन पे कोई पहचान का संकट भी नहीं है। आज तो आप देश के अंदर कहीं जाएंगे तो कहीं भी जाते हैं तो आपके सामने अब पहचान का संकट नहीं होता। लोग आपको शक की निगाहों से नहीं देखते, बल्कि 7 वर्ष में ये तस्वीर बदली जा सकती है। कुछ ही वर्षों में हम लोगों ने तस्वीर को बदला है। आज आप कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे तो लोग आज सम्मान की निगाह से देखते हैं, सम्मान देते हैं। और ये सम्मान आसानी से नहीं मिला, इसके लिए प्रयास करने पड़े। उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की टीम को, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के साथ मिलकर के, और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि उन्होंने विश्वास करके बराबर अपना आशीर्वाद दिया। और उसका परिणाम क्या रहा कि हम लोग कठोर से कठोर निर्णय भी लेते रहे, जनता का समर्थन था, सहयोग था, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की पहचान को बनाना था। और उस पहचान को आज जिस स्तर पर हम उठा करके देखे गए हैं, आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर आपको सम्मान मिलता है। कहीं आप जाएंगे लोग अच्छी निगाहों से देखते हैं, लेकिन इससे क्या पहले 17 के पहले क्या स्थिति थी? नहीं थी। 17 के लोगों को पहले संदेह होता था। और हम लोगों ने देखा बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में लोगों को, वहां का नौजवान अगर जाता था या वहां का कोई व्यक्ति बाहर जाता था तो धर्मशाला की बात तो दूर, होटल में पैसा लेकर के भी उसको कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति थी। किसी नौकरी के लिए, कहीं रोजगार के लिए, कहीं कोई व्यवसाय करने के लिए जाता था, लोग उसको तवज्जो नहीं देते थे, भगा देते थे। आज हम इससे उभरे हैं, आज लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। देश और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश का यूथ कहीं जाता, हमारा युवा कहीं जाता है, उत्तर प्रदेश का नागरिक कहीं जाता है तो उत्तर प्रदेश का नाम बोलने पर उसके चेहरे पर एक चमक दिखाई देती है कि अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए हैं। इस पहचान के लिए किए गए प्रयास का परिणाम है कि पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के साथ आज आपको जोड़ा गया है और ये नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त हुआ है। 1036 युवाओं को आज और 17 से लेकर के अब तक हम लोगों ने जो प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किया है, इनमें कुल चयन किया था उनकी 26,394 की तुलना में हम लोगों ने किया 46,675। और इसमें ओबीसी का जो कुल प्रतिशत है, इसमें 17,929 ओबीसी के प्रत्याशी चयनित हुए हैं जिनका प्रतिशत है 38.41%। और अगर ओबीसी एससी एसटी के प्रतिशत को हम देखेंगे तो यह 60% से अधिक चयन केवल इस वर्ग से हुए हैं। ऐसे ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी 2012 से 17 के बीच 19,312 कुल चयन हुए थे और 17 से 24 के बीच में 42,409 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके शासन के द्वारा, संविधान के द्वारा या शासन के द्वारा निर्धारित आरक्षण की पूरी व्यवस्था का पालन करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र दिया है। और आज वे सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मेरी अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।